खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर 9, मैं हूँ मेघा। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय मिशन शक्ति की आहूत बैठक करते हुए मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत ऐसी शक्ति चैंपियन महिलाओं एवं बालिकाओं की खोज की जाती है जिन्होंने शासन के सहयोग से अपने बल पर ऐसे कार्य किए जिससे उन्होंने समाज में अपनी पहचान बनाने के साथ अपने आर्थिक को बेहतर बनाते हुए अपने जीवन स्तर किया है। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के शुभारंभ के अवसर पर विगत 17 अक्टूबर 2020 को बाल विकास, स्वास्थ्य, पुलिस, महिला कल्याण, शिक्षा आदि विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाली 101 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था और जनपद गांव-गांव तक मिशन शक्ति का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी कराया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र के जिला संवाददाता सदस्य अनूप शुक्ला ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत विभिन्न विभागों आदि से सहकारी योजना के लाभ से लेकर उत्कृष्ट कार्य करने के साथ अपने एवं अपने परिवार को संपन्न बनाने वाली 100 महिलाओं को सहकारी योजना से लाभ पाकर जीवन स्तर में अच्छा सुधार करने वाली महिलाओं बालिकाओं की सफलता की कहानी समाचार प्रकाशन समाचार पत्र में किया जाएगा जिससे शासन की योजनाओं से सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं से प्रेरित होकर अन्य महिलाएं बालिकाएं सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आगे आएंगी। बैठक में डीसी एनआरएलएम विपिन कुमार चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहे। यूपी के हरदोई से कैमरामैन नवल किशोर के साथ अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, बने रहिए खबर 9 में।